बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? और माशाल्लाह से आज हमारा दूसरा अशर लग गया रमज़ान का, तो आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। तो आज हम बना रहे हैं आपके साथ लोंचड़े, तो उसकी रेसिपी आइए शेयर करते हैं आपके साथ। उसके लिए हमें मसाले जो चाहिए वो हमें चाहिए, लाल मिर्ची हमने लिए 1 टीस्पून, ठीक है, लेवल में आपने लेनी है। अगर आप थोड़ी तेज़ अच्छी लगती है आपको तो आप ले सकते हैं। मसाले आप अपनी मर्ज़ी से आप कर सकते हैं, आपको जितने आपको तेज़ लगते हैं, जितने आपको कम अच्छे लगते हैं आप उतने कर सकते हैं, ठीक है। ये अजवाइन मैंने लिए 2 चुटकी, नमक लिया है 1/2 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1/2 टीस्पून, मीठा सोडा है ये है 2 चुटकी, और हल्दी है ये भी 2 चुटकी। बेसन हमें चाहिए इसमें 1.5 कप, ठीक है। तो ये मैंने 1/2 कप हमने अलग रख लिए हैं और 1 कप ये मैंने अलग रख लिए आपको बताने के लिए कि हम इसमें चाय वाला जो हमारा रेगुलर जो कप होता है हम इसमें वो शामिल करेंगे, ठीक है। और पानी हम लेंगे 1 कप ही, तो उसे हम हिसाब से अपने शामिल करेंगे जितनी हमारे रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन आप 1 कप अपने पास पानी रख लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। इसमें हम अब शामिल कर रहे हैं हमारा जो 1 कप जो ये बेसन था, हमारा जो 1/2 कप हमने अपने बॉल में शामिल करे और 1 कप जो हमारे पास था वो भी मैं इसमें डाल दूँगी अपना सारा बेसन, देख लीजिए, ठीक है। अब इसमें हम अपने शामिल करेंगे सारे मसाले जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, लाल मिर्ची, हल्दी और अजवाइन, नमक, मीठा सोडा और ज़ीरा, ठीक है। ये सारे मसाले भी हमारे इसमें शामिल हो जाएंगे। अब इसको हम पानी से हल्का हल्का मिक्स करना शुरू करेंगे। ये देखिए हमारा बैटर बहुत अच्छा सा तैयार हो चुका है और इसको बिल्कुल हमने ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, हमने इस तरह से हमने रखना है कि आपके आराम से पकोड़े जो है ना वो आपके फ्राई हो जाएं और आपके हाथ से हैंडल हो जाएं। अगर हमने इसमें ज़्यादा पानी शामिल कर दिया तो फिर ये आपसे हैंडल नहीं होंगे, बिल्कुल ऐसे लिक्विड लिक्विड से हो जाएंगे। तो इसलिए आपने आप जिस तरह से अपने पकौड़ों के लिए बैटर आप बनाते हैं ना, उसी तरह से आपने अपने हल्का से उससे थोड़ा सा पतला अपना बैटर आपने बनाना है, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं, ये देखिए ताकि पकौड़ा ज़रा हैंडल हो जाए, ठीक है। और इसको इतना हमने मिक्स करना है कि ये इसमें कोई लम्स ना हो, कोई गुठलियाँ ना हो, बेसन भी कुछ तरह इसमें से हल हो जाए। और इसमें जो शामिल हुआ है ना पानी, वो हमने 1/2 कप हमारा पानी इसमें लग गया, 1/2 कप से थोड़ा सा 1-2 टेबल स्पून थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, ठीक है। अब इसको हम रेस्ट के लिए हम छोड़ेंगे 1/2 घंटे के लिए, उसके बाद हम इसके हम पकौड़े फ्राई करेंगे। ये अब हमने ऑयल रख दिया है अपने पैन में, कढ़ाई में, और यह गर्म हो चुका है। इसे देखिए हमने थोड़ा सा हमने बेसन इसमें शामिल किया था कि देखते हैं कि ऑयल हमारा कितना गर्म हुआ। अब इसके अंदर हम अपने छोटे छोटे पकोड़े डालकर इसको फ्राई करना हम शुरू करेंगे। ये देखिए हम अपने कितने छोटे छोटे हम पकोड़े डालना हम शुरू कर रहे हैं, और बेसन को हमने 1/2 घंटा रेस्ट के लिए छोड़ दिया था। अब हम इसी तरह से हम अपने सारे पकोड़े डाल देंगे और वो एक ही लेयर में हम डालेंगे, ऊपर तले हम नहीं डालेंगे, वरना उससे क्या होगा हमारे पकोड़े ख़राब हो जाएंगे। ये देखिए हमारे पकोड़े कितने ज़बरदस्त से फूल चुके हैं, कितने हमने छोटे छोटे इसको डाले थे, और आप देख रहे हैं कैसे गोल गोल से ये हो चुके हैं। अब जब ये हमें इसका गोल्डन सा खूबसूरत सा इसका कलर आ जाएगा तो फिर हम इसको निकाल के ठंडा करेंगे। ये देखिए हमारे पकोड़े बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब जब ये ठंडे हो जाएंगे 15 मिनट के बाद, 15 से 20 मिनट, उसके बाद हम इसको पानी में हम डालेंगे इसको नरम करने के लिए सादे पानी में। हमारे पकोड़े बिल्कुल ठंडे हो चुके थे, अब इसको हमने पानी में शामिल कर देंगे 15 से 20 मिनट के लिए ताकि ये नरम हो जाए, उसके बाद हम इसको दबा दबा के निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने पकोड़ों को अपने पानी से निकाल लिया है, ठीक है। और पकोड़े हमारे आप देखें इतने सॉफ्ट हमारे पकोड़े बने हैं और इतने ज़बरदस्त से फूल चुके हैं, इस तरह से उन्हें हल्के हल्के हाथों से देखें पानी श्योर होगा, ज़्यादा हमने इसको नहीं प्रेस करना वरना क्या होगा ये फट जाएंगे, ठीक है। अब इसको हमने अपने इस बॉल में हमने निकाल लेने हैं। खट्टे पानी के लिए हम हरी चटनी बनाएंगे, उसके लिए हमें चाहिए 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 2 चमचे हरा धनिया, 2 चमचे पुदीना और 2 अदद हरी मिर्चें, ठीक है। इनके हम अब पीस के इसकी चटनी तैयार कर लेंगे। अगर पुदीना आपके पास ताज़ा नहीं है तो आप ड्राई पुदीना भी ले सकते हैं। ये है हमारे खट्टे पानी के मसाले जिसकी हम अभी तैयार करेंगे। और ये देखिए ग्रीन चटनी जो मैंने आपको बताया था आपके सामने, उसको मैंने पीसा था, हरा धनिया, हरी मिर्च, ज़ीरा, थोड़ा सा पुदीना डाल के उसमें से 1 चमचा मैंने ले लिया है। धनिया हमें चाहिए 1 टीस्पून, प्याज जो है ना वो हमने ले लिए 1 अदद, इस तरह से रिंग में भी आप काट लें। अच्छा, इसके अंदर इमली शामिल होगी, इमली का पल्प मैंने 100 ग्राम लिया था तो उसका मैंने गूदा निकाल लिया, ठीक है। मसाले शामिल होंगे इसमें, सौंठ पाउडर 1/2 टीस्पून, चाट मसाला 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, पिसा हुआ पुदीना जो उसको मैंने सुखा लिया था वो मैंने ले लिया 1/2 टीस्पून, नमक
हाफ टी स्पून। और ये पानी हमने लिया है 8 ग्लास, जिसका हम खट्टा पानी तैयार करेंगे। अब हम इसमें सारी चीज़ अपनी शामिल करते हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे हमारी हरी चटनी। ये हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। अब इसमें हम शामिल करेंगे अपने सारे मसाले, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे हमारी इमली का पल्प, ठीक है, जो ये था, सारा का सारा इसमें शामिल कर देंगे। ये मेरे पास थोड़ा सा ज़्यादा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा रख दिया। ये बिल्कुल खट्टा सा पानी इसका तैयार होता है, बहुत ही मज़ेदार सा। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे थोड़ी सी प्याज, और थोड़ी सी मैंने गार्निशिंग के लिए रख दी, और थोड़ा सा हरा धनिया। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपको नमक कम लगे तो जब आप खाने लगे तो फिर आप नमक आप ऐड कर लीजिएगा थोड़ा सा। ये देखिए हमारे ज़बरदस्त से लोन चूड़े हमारे तैयार हो गए। इसको मैंने खट्टे पानी में डाल दिए थे, और ये देखिए आप शक्ल से कितने हसीन लग रहे हैं, खूबसूरत से लग रहे हैं। ये जब खाएंगे आप तो उतने ही ज़्यादा ही टेस्टी होंगे। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड कमेंट माई चैनल। ओके, अल्लाह हाफिज़।